हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे और मजे होंगे। तो मैंने कुछ टाइम पहले, अभी थोड़ी देर पहले, एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेड लॉक के बारे में। तो दो व्लॉग बनाने में, दो वीडियो बनाने डेड लॉक के बारे में, दूसरी हम बात बताएंगे। पहली हम बात करना चाहते हैं कि ड्रेड लॉक क्या होते हैं, क्यों होते हैं और काय को होते हैं, हम क्यों रखते हैं, कौन सी एज में हमें रखने चाहिए, कौन सी चीज़ों में रखने चाहिए, क्या मान्यता है इसकी, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले तो ड्रेड लॉक देख लो, ठीक है, अपने भाई के देखिए। तो तुम्हारे भाई के ड्रेड लॉक कुछ ऐसे हैं जो पहले से देखते हैं, और जो नहीं देखते तो मैं बेल आइकन में बता सकता हूँ कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या इसका प्रोसेसर है। आपको वीडियोस मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, बाकी मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो। ड्रेड लॉक की हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे जो आपके सवाल होते हैं मैंने देखा है ना, लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं कि भाई हम शैम्पू कौन सा यूज़ करें, क्या करें, कैसे बनता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सारे ही सवालों का जवाब दिया है। बस आप वीडियोज़ पूरी देखा करो, सही से देखा करो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताता हूँ, कभी भी मेरी वीडियोस में देखना आपको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं मिलेंगे चीज़ें। मैं नॉर्मल वे में बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कहीं से देख के या कहीं से बोल के पढ़ के नहीं बताता, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे ड्रेड लॉक के साथ, मेरी जर्नी के साथ मेरा कैसा रहा, कैसे मेरे कॉन्टैक्ट है मेरे बालों के साथ, कितना मैं कनेक्ट हूँ अपने बालों के साथ, उस हिसाब से बताता हूँ। कोई ऐसा वो नहीं होगा यूट्यूबर की मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ, पॉइंट बाय पॉइंट आके बताऊँ, बस बात करता हूँ। मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे किया, क्या किया, क्या क्या इसके प्रोसेसर हैं, कैसे बने, मैंने कैसे बनाए। तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे प्लेलिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रेड लॉक होते क्या हैं। ड्रेड लॉक बेसिकली जटाएं होती हैं, बालों का झुंड, ठीक है। जैसे ये बाल एक तो मैं निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी ये मेरा देखो अलग बना नहीं है, ये है ड्रेड लॉक, इसे हम ड्रेड लॉक कहते हैं, जटाएं जो बाल मिल के बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री फ्रॉम ड्रेड लॉक के बारे में, ठीक है, जो खुद ब खुद जटाएं बनती हैं। ड्रेड लॉक बहुत तरीके से बनती है कि आप मार्केट से जाके बना सकते हो, और एक होता है कि आप मार्केट में जाके लगवा सकते हो, बनवा सकते हो, और एक होता है कि आप खुद रखो और खुद बनती हैं जटाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रेड लॉक होते क्या हैं, क्यों रखते हैं, ठीक है। आपको पहली बात पता चल गई, ड्रेड लॉक होते क्या हैं, यानी कि जटाएं। जैसे मेरी जो इंडियन ऑडियंस है उनको सबको ये पता होगा कि जटाएं क्या होती हैं, जैसे बाबा लोग रखते हैं, और इसको रखने के तरीके क्या हैं, कौन सी एज में रखते हैं। तो भाई मैं अगर बताऊँ ना, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता। आप ड्रेड लॉक कभी भी रख सकते हो, आप बचपन में रख सकते हो, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25, 30, 50 साल, जब आपकी मर्जी तब रखो। जैसे मैंने रखे, मेरी एज है मतलब 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 22, ऐसा कुछ 22 साल का हूँ मैं, बुढ़ा हो गया हूँ अब, ठीक है। तो जैसे हम रेड लॉक रखते हैं तो मैं कुछ बातें बता, जैसे मैंने रखी हैं, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे एज में छोटे हैं उनने रखे हैं रेड लॉक। कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जो मेरे एज में बहुत बड़े हैं, जैसे कि एक सोनाली मैम है, उनके तो शायद बच्चे मेरे बराबर हैं, ठीक है। सोनाली मैम ने रखे हैं, पहले शायद नहीं रखे थे मैंने, जितना उनका उसमें फेसबुक में देखा, मेरी बातें हुई उनसे हुई नहीं है, बट जैसे सोनाली मैम ने रखे हैं, ठीक है, उनको अराउंड शायद 2 महीने हो चुके हैं बाल रखे हुए, रेड लॉक रखे हुए, तो काफ़ी प्यारे रेड लॉक रखते हैं मैम के। तो अब सोच लो, जैसे मैं अगर मेरी एज के उनके बच्चे हैं तो मेरी एज की उनकी मतलब मेरी मम्मी की एज के वो होंगे, यानी कि आई थिंक 45 या 40 इसके अराउंड, पर कोई बात नहीं, ऐसा लड़कियों की एज ज़्यादा बोलनी चाहिए, चलो 25 बोल देते हैं ऐसा है। तो मेरे कई सारे, जैसे एक भाई हेमंत भाई है पिथौरागढ़ पे रहते हैं अपने, तो उनकी जटाएँ मेरे से बड़ी है, 3 साल हो गए उनकी जटाएँ यहाँ यहाँ तक आती हैं, ठीक है, तो वो भी एज में, तो इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसको रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अपनी मान्यताएं के हिसाब से रखते हैं। जैसे कुछ लोग रखते हैं, जैसे कोई पूजा वूजा करते हैं ना, जैसे कोई भगवान को मानता है, शिव को मानता है, तो उसकी वजह से, पूजाओं की वजह से, या जैसे माताओं के उसमें रखते हैं, तो कई सारे लोग धार्मिक तरीके से रखते हैं कि इसको धार्मिक मान्यताओं के उसमें, कि जैसे अगर उन्हें रख लिया है तो वो अंडा मीट कुछ ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखते हैं। तो कुछ लोग रखते हैं मेडिटेशन करने के, मेरी जवान इतनी फिसल ली है ना, यानी ध्यान लगाने के लिए, यानी कि वो करने के लिए, पूजा करने के लिए, मतलब ध्यान लगाते ना ऐसे तो कुछ लोग इस वजह से रखते हैं, कुछ लोग फैशन की वजह से रखते हैं, कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि भाई हम अगर इतने टाइम पे अगर हमारा कुछ हो गया, मैं जटाएं रख रहा हूँ तो ये चीज़ होगी, तो फिर मैं यहाँ जटाएं अपनी चढ़ा के जाऊँगा, या इस तरीके से रखते हैं। और कुछ लोग मेरी तरह रखते हैं जो कि शौक के लिए रखते हैं, भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ों से नहीं। वैसे मैं रखता हूँ अपने शौक के लिए, मुझे पहले मैंने बाल रखे थे काफ़ी, मेरे को अपने पुराने बालों की बहुत याद आती तो जैसे मैं बाल रखता था, मैंने बाल बड़े करना रखे, शुरू करे, बड़े बड़े होते हुए मेरे बाल यहाँ तक आ चुके थे, तो उसके बाद मैंने ड्रेड लॉक रखी। उससे पहले मेरा था, बहुत टाइम से मन था, बट मैंने एट द लास्ट बहुत सोचा, उसके बाद ड्रेड लॉक रख दी।
वो भी बस एक शौक के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी मान्यता किसी चीज़। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आपने कुछ मन्नत मांगी क्या? नहीं मांगी मैंने भाई मन्नत, कि आपके अंदर कोई देवता भगवान वगैरह नहीं आते भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस अपने ड्रेडलॉक्स शौक के लिए रखे हैं। और इसका देखो ऐसा फंडा है ना, कुछ जैसे रैपर्स रखते हैं आज के टाइम पे, बाबा लोग रखते हैं, दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक आप भक्ति के लिए रख रहे हो और एक आप बस अपने फैशन के लिए रख रहे हो, तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है भाई। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं करता। जैसे मेरे से कई लोग कहते हैं ना भाई तुमने डेड लॉक रखे हैं तो तू मीट मछली ये चिकन विकन खाता है या ये चीज़ें करता है, तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है यार। वो तुम्हारी अपनी अपनी चीज़ें कि तुमने किस वजह से बाल रखे हैं अपने, डेड लॉक रखे हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, देखो ऐसा कुछ नहीं। आजकल मैंने कई सारे बाबाएं देखे ना, वो बाल काट के घूम रहे होते हैं, उनको जटाओं से कोई मतलब नहीं है। एक बार मेरे घर पे आया था, मैंने बोला कि आपने बाल जटाएं क्यों नहीं रखे, तो बोला यार वो धोने में बड़ा वो टाइम लगता है, उनको सूखने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा अलझाट है, ऐसा वैसा बोला मैंने। मैंने कहा भाई एक एक काम है बस, उन पर तुम अपना ही काम सही से नहीं कर रहे, तुमने ही तो रखनी चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी, वो उनकी मर्जी थी, जिसको रखने रखो, जिसको नहीं रखने मत रखो। तो ये चीज़ें ड्रेडलॉक की, कि ड्रेडलॉक क्यों रखने चाहिए, क्या रखने चाहिए, फंडा क्या होता है। देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, हमेशा मैं तुम्हें कोई तरीके या कुछ वो नहीं बताऊंगा कि भाई तुम अगर रख दिया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। तुम अपने शौक के लिए रखो, अपने लिए रखो, और जटाएं हम किसी और के लिए नहीं रखते, वो खुद के लिए रखते हैं। हाँ वो चीज़ें अलग है, जैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है तो उसमें क्या होता है पेशेंस होता है। जैसे हम फ्री फॉर्म ड्रेडलॉक्स रखते हैं ना, मेरे को जैसे 3 साल मैंने बाल रखे, 2 साल अराउंड, और 2 साल मेरे ड्रेड्स को हो गए, तो मतलब अराउंड 4 साल होने वाले मेरे ड्रेड्स को, डेड्स को तो एक या 2 साल होने वाले, मतलब बालों को मेरे। तो क्या होता है उसमें पेशेंस होता है, जब कोई मेडिटेशन करता है, कोई ध्यान लगाने के लिए बैठता है ना, तो उसमें क्या चाहिए, पेशेंस ही है। तो इसलिए डेडलॉक रखते। कहा जाता है कि जैसे हमारे जो बाल होते हैं, तो जब हम ऐसा मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उसमें ध्यान ज़्यादा लगता है, ध्यान केंद्रित होता है, ऐसा एक चक्र होता है, ऐसा बोला जाता है। मैं भी बहुत बार बैठा हूँ करने के लिए, बट होता नहीं है वैसे, 2 या 3 मिनट बैठा था, उसके बाद मतलब बोलते हैं मंकी माइंड की। मंकी माइंड क्या होता है कि इधर उधर चलता रहता है। मैं जैसे बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं अपने माइंड को शांत नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि मैं कर सकूँ, बैठ पाऊँ। तो ये चीज़ें यार, एट द लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिस तरीके से आप रखना चाहो। अगर आप पूजा पाठ या किसी वजह से, कि कई लोग रखते हैं यार, कि आपने रख लिए कि आप किसी के भक्त हो, किसी से पूजा है, आपके अंदर देवता वेवता ये चीज़ों का कुछ है, तब रख लिए, या आपने मन्नत मांग ली तब रख लिए, आपने शौक से रखे हैं तो तब रख लिए। तो तीनों में से सारे फंडे सही है, कोई तरीका नहीं है, और तरीके से बहुत सारे, कुछ भी करो कैसे भी करो कुछ नहीं होता है, बट ड्रेडलॉक रखो। तो हमने देखा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ही रखते हैं, लड़कियाँ नहीं रखती भाई, बहुत सारी लड़कियाँ रख रहे हैं, लड़के रख रहे हैं, बहुत सारे लोग रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आदमी रख रहे हैं, लड़के रख रहे हैं, हर कोई रख सकता है। तो डेडलॉक का कोई फंडा नहीं है, जिसको रखने रखो मेरे से, रखते रहो, मेरे से जुड़ते रहो, जो भी आपके ना आस पास में या किसी में होना, तो मेरी वीडियोस उन्हें भेजना जिन्हें डेडलॉक रखे, तो मेरे से रिस्पेक्ट आती है, क्योंकि डेडलॉक रखता है ना, ऐसा नहीं कि जो नहीं रखने आती, बट जो फ्री फ्रॉम डेडलॉक रखते हैं ना, मेरे को उनके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो पेशेंस रख रहे हैं, उन पर उतना ना पेशेंस है कि भाई उन्होंने उतने टाइम तक ड्रेडलॉक रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हैप्पी जर्नी भाई सबके लिए, जितने भी ड्रेडलॉक रखे हैं, जितने भी ड्रेडलॉक रखे हैं, ऐसे ही रखते जाओ, बढ़ाते जाओ, और मेरे से जुड़ते जाओ। अपनी फोटोज और वीडियोज मुझे भेज सकते हो, मुझे काफ़ी सही लगता है, बहुत मज़ा आता है दूसरों के ड्रेडलॉक देख के, जैसे आपको मेरे ड्रेडलॉक देख के मज़ा आता होगा, मैं आपको बताता हूँ अपने ड्रेडलॉक के बारे में, मज़ा आता होगा। तो मेरे को भी बहुत प्यारा लगता है कि जब जैसे मेरे सब्सक्राइबर या मेरे कुछ है ना, तो वो मुझे वीडियोज भेजते थे कि भाई इतनी वो हो गई हमारी ग्रोथ हो गई ड्रेडलॉक में, इतने ज़्यादा रख लिए। तो ऐसे ही भेजते रहा करो, मिलते रहा करो, और आपके आसपास जितने भी ड्रेडलॉक रखने वाले लोग हैं या जितने जटाएं रखना चाहते हैं और वो पता करना चाहते हैं कि कैसे रखना चाहते हैं या क्या मेथड है, तो आप उसको उनको हमारी वीडियोस भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो उनके साथ, उन्हें बता सकते हो कि क्या इसका राइट वे है। राइट वे कुछ नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है, और किस तरीके से रखे जाते हैं मैंने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियोज में बताया है, आप देख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए ब्लॉग देखने के लिए, आई होप आपको मजा आएगा।